मुनव्वर जिग्ना जी नील ऐश्वर्या मेरा हमारा चलता था बिग बॉस 17.5 हमारा व्हाट्सएप पे अभी ग्रुप भी बना है बिग बॉस 17.5 मैं बोल के आई थी मामा बिग बॉस टीम को क्रेजी क्या एक दिन नावेद ने पता नहीं आपको वो दिखाया नहीं हाँ जब इनको चॉकलेट्स नहीं मिली थी पहली बार वो सी इट्स अ सीक्रेट आई सेड बट व्हाट इज नहीं ये नहीं देखा था नहीं हाय दिस इज रिंकू धवन एंड यू आर वाचिंग पीएनटीवी पीएनटीवी को देखने वाले सारे व्यूअर्स को हैप्पी रिपब्लिक डे हैव अ ग्रेट ईयर एंड अ सक्सेसफुल लाइफ थैंक यू बिग बॉस के रैपिड फायर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है क्या क्या कंटेस्टेंट के पास दूसरों को जाने बिना एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कोई सीक्रेट या कोड या सिंगल होते सिंगल्स किसी को क्या क्या जाने बिना क्या कंटेस्टेंट के पास दूसरों को जाने बिना एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कोई सीक्रेट कोड या सिग्नल्स थे जैसे आप कम्युनिकेट कर पाओ एक क्या अगर मैं समझो मुनव्वर बिना किसी को पता चले ऑफ कोर्स बताना पड़ेगा कोई खोले अरे मतलब ये है बिग बॉस 17 और मुनव्वर जिग्ना जी नील ऐश्वर्या मेरा हमारा चलता था बिग बॉस 17.5 क्या इसका रोज रात को 17.5 बिग बॉस चलता था हमारा व्हाट्सएप पे अभी ग्रुप भी बना है बिग बॉस 17.5 मैं बोल के आई थी मामा बिग बॉस टीम को मैंने कहा माइक वाइक उतार के कोई घर की बातें नहीं होती सारी गेम प्लान्स चलते हैं व्हाट आर यू सेइंग वी गॉट माइक्स एवरीवेयर आई सेड या एंड येट यू नेवर कॉल्ड अस आउट ऐसे मुझे 11 हफ्ते हो गए आज तक तो नहीं बोला माइक पे तो ऐसे किसी को नहीं बोला ऐसे सब बात करते हैं ओके सेकंड क्वेश्चन कोई फनी इंसिडेंट सर वो आंखों के इशारे भी इतने सटल होते हैं क्योंकि इतने कैमराज है देखो तो ना ऐसे नहीं होता था वो लिटरली ऐसे होता था मतलब इतना भी नहीं इतना सटल होता था कि समझ जाता था इंसान की बेटा वहां कोने में चल रहा है कैमरा कितने साल का आपको कैप्चर तो वो उसमें भी इतनी सटल अंडर एक्टिंग करनी पड़ती थी इशारे करने पड़ते थे बट हाँ यार सब होता था इसीलिए तो जब अंकिता का मेडिकल रूम का आया और हमने कहा कि भाई विक्की क्यों जाएगा हालांकि विक्की का कोई ऐसी बात नहीं आई थी तो हमने कहा तब मैंने मुनव्वर को बोला मैं माइक पे बोला मैंने कहा बिग बॉस के कंटेस्टेंट से ज्यादा आंखों के इशारे कौन समझेगा यहाँ पर जितने होते हैं तो मैंने वो बोला भी था कि भाई जरूरी नहीं कि हमें शब्दों से बात करनी है बिना शब्दों की जो बातें चलती है वो तो हमें मालूम है ना कोई फनी इंसिडेंट कंटेस्टेंट के व्यूअर्स ने नहीं देखा हो लेकिन आपको याद है यार व्यूअर ने क्या नहीं देखा ये तो मुझे नहीं पता पर मुझे जो याद है और मैं बहुत पेट पकड़ के हंसी थी वो है औरा विक्की पे घमंड का मटका फोड़ रहा था और वो स्लिपरी और औरा गिरने लगा और मेरी हंसी ना रुके मैं विक्की को बोला मैंने कहा विक्की ये तेरे पे घमंड का मटका फोड़ रहा है गिर रहा है और तू ही इसको संभाल रखे था सोचो दीदी मेरे पे ही मटका ये लोग कचरे का पानी डाल रहा और मेरे को इसको संभाल रहा है कि गिरे नहीं I was really laughing my stomach out है मैं कितना हंसी थी सारे घर वाले ऐसे हो तो रिंकू जी पर क्या करो मैंने कहा यार वो तुम विजुलाइज करो कितना फनी था वो और भी दो तीन बातें मुझे याद नहीं है नावेद का भी जैसे वो बिहेव करता था हम मच यूज टू लाफ एट इट यार क्रेजी क्या एक दिन नावेद ने पता नहीं अभी वो दिखाया नहीं हाँ जब इनको चॉकलेट्स नहीं मिली थी पहली बार वो सी लिखा था तो नावेद दम के रूम में वो बीच में जो बड़ा पर्पल काउच है उस पे खड़ा था तो नावेद वो ना टेल अभिषेक टू गिव अस चॉकलेट वो फिर आई विल गो सीक्रेटली लाइक गो एंड आई विल डू आई विल लाइक व्हाट आई जस्ट वांटेड और मैं हंसने लगी स्पीड अप मुद्दे पे ओके
कभी कोशिश की है बिग बॉस के क्रू मेंबर से बात करने की? कभी कोशिश की है बिग बॉस के क्रू मेंबर से बात करने की? जो सेटअप करते हैं? हाँ। नहीं, तो बेसिकली हम उनके अराउंड होते भी नहीं थे। तो अगर गार्डन में सेटअप है तो ब्लाइंड्स डाउन होती थी, हम अंदर होते थे। अंदर सेटअप है तो हमें गार्डन में भेज देते थे या हम अपने कमरों में होते थे, डिपेंडिंग। वी नेवर केम अक्रॉस देम। ओके, बिग बॉस के कंटेस्टेंट का कोई हिडन टैलेंट और हॉबी है जो अब तक हमने नहीं देखा हो, आपको बताओ? तेरे तो टैलेंटेड है, सबने अपने टैलेंट दिखाई दिए। अच्छा, आपका आपका कोई टैलेंट या हॉबी जो हमने ना देखा हो? क्यों, मैं अच्छा डांसर किया काम है सकती नहीं। तो जब ऐश्वर्या गाती थी मैं उसके नीचे गाती थी ताकि ऐसा लगे कि मैं भी अच्छा गाऊं। But I couldn't sing for months. I can't. Big Boss का hangover अभी अभी तक इंटरव्यू चल रहे तो hangover तो चल ही रहा है। And I think ये चलते रहेगा। At least finale के भी हफ्ते 10 दिन बाद तक भी ये I think उतना तो mid Feb तक तो definitely ये hangover रहेगा। इतनी बड़ी चीज इतनी आसानी से कैसे लोग भूल जाएंगे? चाहे फिर वो मैं क्यों ना। सबसे ज्यादा खाना कौन सा था बिग बॉस में जो मतलब सिर्फ पिकनिक में आता था खाना खाने आया है ऐश्वर्या में? कुछ ऐसे तो अनुराग था और एक पॉइंट तक तो अरुण जी और तहलका भाई भी थे और खानजादी भाई, खानजादी बहुत खाना मिस करती है। एक दिन उसने बोला भी था एक नॉमिनेशन के दौरान कि मैं रिंकू जी को नॉमिनेट करती हूँ क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है कि मैं खाना फेंकूँ। कटोरी में निकाल के रख तो अगला भी खाओ कि पहले उसको गर्म कर देगा, तू खाना फेंकना। वो भी अपनी प्लेट भर देते थे। मैं खानजादी को बोलती थी तुम इतना क्यों यू नो नजर की भूख रखती हो, दो बार लो ना खाना है, दो दो बार खाओ। वो इतना भर के फिर अरे मुझसे नहीं खाया जा रहा है, मैं फेंकना नहीं, जो मर्जी कर इसको रख फ्रिज में रख, कल खा परसों खा, तू खाएगी यही, मैं भी खिला के रखती हूँ।